जी दोस्तों, मीम फाइल के वैलिड की जो अपडेट आ चुकी है, आपने वीडियो के एंड तक देखना है। वैलिड कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर ये इस तरह का वैलिड दे रहे हैं तो ये एक आपको बिग प्रॉफिट जो है देने वाले हैं। हैमस्टर को गोली मारो और टैप स्क्वायर को साइड पे कर दो। नॉट क्वीन जितना आपको ये प्रॉफिट देने वाला है, नॉट क्वीन से जितना भी आपने प्रॉफिट गेन किया था उतना जो है यहाँ से मिलेगा। नॉट क्वीन से हो सकता है ज्यादा मिले, क्योंकि नॉट क्वीन को काफी लोगों ने सीरियस नहीं लिया। और कुछ लोग मुझे बोलेंगे, पहले तो सर बैठ के वीडियो बनाते थे आप खड़े होके, तो यार बैठ के मुझे मजा नहीं आता कि आपको सही तरह समझा नहीं सकता। तो चेयर भी है, हर चीज है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है एक प्रॉपर और सिंपल से तरीके के साथ जो मैं आपको हर चीज गाइड किया करूंगा। यहाँ पे जो है मैं आपको मीम फाइल का यहाँ पे वैलिड कनेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है वो बता दो। इसमें एक मेन चीज होती है जो कि मेन इसकी की होती है, जो कि आपको सेव रखनी होती है, जो कि बिल्कुल आपके वैलिड का एक की होता है। ठीक है, जैसे एक ताला होता है उसकी चाबी होती है, ये वैसी है मीम फाइल की। अगर ये आपसे लॉस्ट हो जाती है तो आपका जो है पूरा वैलिड वो आपके लिए बेकार है। यहाँ पे मेरी आपको स्क्रीन नजर आएगी, यहाँ पे मैं आपको वैलिड का जो है तरीका बताता हूँ, और इसमें कुछ सीक्रेट चीजें भी होती है वो भी मैंने आपसे जो है डिस्कस करनी है। ये चीजें मेरी टीम के पास तो होनी चाहिए, मेरी टीम को ये चीजें जो है पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरा मीम फाइल जो है यहाँ पे ओपन होगा, इसके बाद कुछ चीजें होती हैं। यहाँ पे मुझे देखें क्लेम का यहाँ पे बटन नजर आ रहा है, कुछ लोगों को इसका पता होगा। ठीक है भाई, मुझे पता है, आपको पता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि न्यू हैं, उनको इस चीज का पता नहीं है, उनको बताना ये जरूरी होता है। यहाँ पे मेरी स्क्रीन सही तरह ओपन हो जाए, यहाँ पे मैं जो है आपको बताता हूँ। तो नेट का इश्यू की वजह से यहाँ पे जो है मेरे पास स्क्रीन थोड़ी स्लो हो रही है। तो ओपन हो चुकी है, यहाँ पे जो है आपको एक बूस्टर का ऑप्शन नजर आता है। ये बूस्टर का ऑप्शन जो है ये आपको दिन में तीन मरतबा जो है ये आपने करना होता है। तकरीबन ये हर 3 घंटे के बाद जो है आपको अवेलेबल होता है, जिसके अंदर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये है। ठीक है, वो जो साइड पे आपको शो हो रहा था यहाँ पे कुछ टोकन की क्वांटिटी है, एक मैं क्लेम कर चुका हूँ, यहाँ पे मेरी 2 बची हुई है, ये भी मैं यहाँ से क्लेम कर लूंगा। तो बाकी जो है हर 3 घंटे के बाद वो भी मैं क्लेम कर लूंगा। ये देखे टोकन मेरे वैलेट के अंदर जो ऐड हो चुके हैं, यहाँ पे इसको मैं एक्टिव दोबारा कर दूंगा। एक दफा क्लेम करना, दोबारा जो है आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट हो चुके हैं, यहाँ पे देखें कैलकुलेशन जो है वो भी स्टार्ट हो गई है। अब मेरे पास 1 बच चुका है। उसके बाद टर्बो मिलते हैं डेली के 3, इनको आपने करना होता है रिचार्ज, ये आपने टैंक अपना फुल करना होता है। ये दोनों चीजें जो है आपने अपने हर सूरत में करनी होती है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा बैक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास जो है मेरा जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। अब आपको एक वैलेट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आप देखेंगे कोने के अंदर आपको नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे वो आपको बोलेगा लॉगिन या क्रिएट वैलेट, आपने क्रिएट वैलेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ सीक्रेट की आपकी जो है वो आपको मिल जाएंगी। मैं इनको ब्लर रखूंगा, हाइड रखूंगा, क्योंकि हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, प्राइवेट चीज होती है। यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे जो सीक्रेट कीज है 8 है, तो ये मुझे नजर आ चुके हैं, आपको भी ऐसे नजर आएंगे। आपने इनको जो है कॉपी करना है, कॉपी यहाँ से कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने कहीं पे जो है इनको सेव भी रखना है। सेव आप कैसे रखेंगे कि कोई अपनी नोटबुक जो है उसके अंदर आपने लिख लेना है, या अपने मोबाइल के अंदर कोई नोटबुक बनाए उसके अंदर जो इनको सेव करें, या किसी दूसरे मोबाइल के अंदर दूसरी डिवाइस के अंदर इनको रख लें। बेहतर यह है कि अपने पास एक नोटबुक रखें, उसके अंदर लिख के जो है अपने घर में संभाल के रखें। तो यहां से मैं इनको कॉपी कर लूंगा, कॉपी करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे ये देखें सेंड विड्रॉ, ठीक है, डिपॉजिट का ऑप्शन भी है, विड्रॉ का भी है। आप ये चीज जो है ये अपने टोकन एक दूसरे को सेंड रिसीव भी कर पाएंगे। कुछ दिनों का जो है आपको वेट करना होगा, कुछ दिन सबर करें, यहाँ पे फिर आपको आपके टोटल जो है टोकन यहाँ पे नजर आएंगे। इसमें हो सकता है मीम फाइल में आपको इथेरियम की गैस फीस भी पे करनी पड़े, ये भी है। और यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर आप अगर किसी से बाय करेंगे मीम मीम क्वीन, तो यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करके यहाँ से जो है आप अपना जो है डिपॉजिट कर पाएंगे। यहाँ पे वैलेट ओपन करता हूँ, मीम फाइल पे क्लिक करते हैं, नहीं वो अलग से है मीम फाइल, यहाँ से आप डिपॉजिट कर पाएंगे। अभी ये इनेबल नहीं है, अगर आप अभी डिपॉजिट करना चाहते हैं तो सिर्फ जो है यहाँ पे इथेरियम ही आपका डिपॉजिट होगा। अभी आपने कुछ भी डिपॉजिट नहीं करना, जो भी करना होगा आपको वक्त के साथ मैं बताऊंगा। पहले वैलेट इनका नहीं था, अब वैलेट आ गया, तो अब विड्रॉ भी इनका बहुत जल्द आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। आपने वीडियो को एंड तक देख लिया तो ये एक आपने कमेंट करना, ताकि मुझे भी पता चले मेरे मेंबर कहां तक फॉलो करते हैं। और एक गिव अवे भी आपके साथ करना है, वो भी आपके लिए जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यूज आएगी।